पंचकुला के सिविल अस्पताल 6 की गायनोकोलॉजिस्ट एवं गैर कानूनी गर्भपात के आरोपी डॉक्टर पूनम भार्गव के पति ने मामले में अब सेक्टर 14 थाने में शिकायत दी है। उन्होंने स्वयं थाने जाकर आरोपी पत्नी डॉक्टर पूनम भार्गव और उनकी मददगार बलजिंदर कौर पर दर्ज मामले के शिकायतकर्ता पटियाला निवासी अमनदीप सिंह और विनय अरोड़ा सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी है। यह वही शिकायत है जो आरोपी पूनम भार्गव की तरफ से 27 फरवरी को जिला पुलिस को ऑनलाइन और 28 फरवरी को डीसीपी को दी गई थी। शिकायत में डॉक्टर पूनम भार्गव को ब्लैकमेल कर उनको प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। अनुज भार्गव ने शिकायत में बताया कि 17 फरवरी 2020 को आरोपी अमनदीप सिंह और उसके साथी सिविल अस्पताल 6 में डॉक्टर पूनम भार्गव की ओपीडी में पहुंचे थे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बलजिंदर कौर ने उन्हें डॉक्टर पूनम से मिलवाया था। आरोप लगाया कि अमनदीप सिंह ने डॉक्टर पूनम भार्गव से कहा था कि वे लिंग प्रशिक्षण की जांच करवा चुके हैं और इससे गर्भ में लड़की होने का पता लगा। आरोप है कि अमनदीप ने पहले ही 2 बच्चे होने की बात कहकर तीसरे बच्चे की इच्छा नहीं जताई थी, इस कारण उन्होंने कहा था कि वे गर्भपात करवाना चाहते हैं। आरोप है कि उसी दौरान अमनदीप सिंह और उसके साथियों ने छुपे हुए कैमरे से वीडियो बना ली थी। आरोप है कि इनके बाद उन्होंने डॉक्टर पूनम भार्गव का वीडियो वायरल कर उनका करियर चौपट करने की भी धमकी दी। वीडियो वायरल नहीं करने के लिए अमनदीप सिंह व अन्यों ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। जी, इसमें जो मुदई पार्टी है, इस FIR में जो मुदई पार्टी है उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन से संबंधित एक कंप्लेंट जो है हमारी तरफ से, डॉक्टर पूनम भार्गव की तरफ से SHO सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में दी गई है, ताकि वो इस ये जो मुदई पार्टी है इसके बारे में पता करे कि वो एक्चुअल में उनका काम क्या है। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, मेरे तक जो पहुंची है, उसमें ये था कि इन लोगों के खिलाफ एक्सटॉर्शन से संबंधित और भी मुकदमे दर्ज हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।